व्यस्त होंगे, ऐसा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो अभी हमारा चल रहा है डिनर, और डिनर में आज हमने बनाए थे दाल चावल, साथ ही ढेर सारा सलाद भी काट के रख लिया है। आजकल ना डिनर में हम बहुत कम खाना खाने की कोशिश करते हैं, और सलाद, फ्रूट्स वगैरह यही सब चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। अच्छा, इसके बाद चलिए अभी लेकर के चल पड़ते हैं आपको। सुबह मॉर्निंग के टाइम है और खाने में बन रहा है पालक पनीर, जो कल मैंने पालक ख़रीदा था ना, घर पे आए थे बेचने वाले, तो मैंने इनको बोला मैं कि इसके साथ जो भी आपको अच्छा लगे तो आप लेकर के आ जाना, और ये लेकर के आ गए पनीर। तो बस पालक पनीर ही बन रहा है आज खाने में। सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में भी वही जाएगा, और हम लोग ब्रेकफास्ट प्लस लंच करते हैं तो उसमें भी वही काम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तड़का तैयार हो गया है, प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं, और उसके बाद फिर डाल दिए ये सारे मसाले जो भी हम रेगुलर बेसिस पे डालते हैं। एक खुद मसाला तैयार किया है मिक्स वाला, और एक रेडीमेड वाला लिया हुआ है। काली मिर्च डालते हैं और थोड़ा सा ये पानी ऐड किया ताकि मसाले जल ना जाएं। हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक वगैरह सब ऐड करके अभी आप देख सकते हो कि हमारा तड़का जो है ना, बस एकदम बेस्ट एंड बेस्ट तैयार हो गया है। तो जब तक तड़का हो रहा था रेडी, दूसरी साइड पे मैंने ये पालक अच्छे से छांट लिए थे। छांट छांट मतलब हम लोकल में छांट नहीं बोलते हैं ना, फटाफट से वही चीज़ मेरे मुंह से भी निकल गई। तो फिर अच्छी तरह से साफ़ करके इसको डाल दिया था मैंने बॉईल के लिए। फिर बॉईल हो गया, उसके बाद इन्होंने मिक्सर जार में उसे एक ब्लेंड दे दिया। थोड़ा सा ज़्यादा ये चटनी की तरह बन गया, लेकिन चलिए हो जाता है क्योंकि गरम गरम था ना, और मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा बिज़ी भी होते हैं ना इस टाइम पे ज़्यादा। तो बस फिर उसके बाद ये पनीर डाल दिए इसके ऊपर, थोड़ी देर पकने देंगे। तो ये चली हुई है जी लंच बॉक्स की तैयारी। लंच बॉक्स के लिए बन रही है रोटियां, और ये बना हुआ है पालक पनीर। मैं दिखाऊं थोड़ा सा घुमा करके, ये बन गया जी पालक पनीर। किसने बनाया है? ये हमारे स्वामी जी ने अपने अपने हाथों से बनाया और है। पंजाबी ढाबे स्टाइल बनाया हुआ है, मैंने आज अलग तरह का बनाया हुआ है। हाँ, अच्छा, अभी खा के हम चखेंगे तब पता चलेगा ना। बिल्कुल पक्का पक्का चखना और बताना मुझे फिर। सही बात है। हमने ढक के बाकी फटाफट से रोटियां तैयार हो रही हैं यहाँ पे, और रोटियों में लगा देंगे फिर हम घी ताकि वो नरम रहे। ठीक है, ठीक। क्या बात है बंदा, आज तो सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रही है। मैंने कहा टेबल को ठीक कर रही है, शायद मेरी एक्सरसाइज करना स्टार्ट हो कर दी हो। मैं तो अभी वॉक करके आया, अभी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मुझे भी ताकि थोड़ा पसीना निकालूं। मैं कर लेता हूँ एक दिन छोड़ के, कभी चेस्ट की कर लेता हूँ, कभी बाइसेप्स की कर लेता हूँ, कभी ट्राइसेप्स की कर लेता हूँ। ये क्यों बिछा रही है? घर साफ सुथरा सुंदर नजर आना चाहिए कि नहीं? हाँ, साफ सुथरा तो आना चाहिए, ये तो सही बात है। साफ सुथरा होगा तभी तो अच्छा लगेगा ना। वो अच्छा, तेरे भाई की शादी है ना, इसीलिए डेकोरेशन कर रही है। भाई की शादी हो वहाँ पे, इधर थोड़ी यहाँ भी आएंगे, कोई बंदा बाहर से आए। शादी जो वहाँ तो वहाँ यहाँ क्यों आना? चलो देखते हैं, मेहमान यहाँ भी आएंगे। अच्छा, तब लगा मुझे तेरी बात का पता। आपको शायद याद नहीं होगा, डेली मैट इधर बिछती है, जब बारिश होती है ना तब इसको उठा करके मैं इधर रख देती हूँ। वो तो मुझे ही पता है। और कौन करता है ये? सिर्फ मैं, इसलिए आपको पता नहीं है किसका क्या यूज है इसका। ठीक है, ठीक है। आज बच्चों के जाने के बाद सीधा ही मैं झाड़ू पकड़ के झाड़ू लगाने नहीं लग गई थी। एक कमेंट भी आया था बोले ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैंने क्या किया ना आज कि पहले अपने काम सारे ख़त्म कर लिए, फिर उसके बाद लगी साफ़ सफाई का काम करने। और पतिदेव चले गए थे वॉक पे, और वैसे मेरी भी थी इच्छा, लेकिन ये अकेले ही निकल गए थे, फिर आकर के कर अभी रहे हैं लग ही अभी रहा था एक्सरसाइज। कि पतिदेव अभी थोड़ा वॉक करके आए हैं ना, तो इसलिए बोला कि बॉडी अभी गर्म है तो फटाफट मैं अपनी एक्सरसाइज मार लेता हूँ। तो ये लग गए एक्सरसाइज करने, और
मैं अपना झाड़ू कंटिन्यू रखूँगी। बाकी मौसम जो है आज हल्की हल्की धूप लगी हुई है, पर गर्मी सी लग रही है। जैसे मतलब बारिश हो जाती थी ना तो मौसम एकदम ठंडा होता था, गर्मी का कोई एहसास था ही नहीं हम लोगों को, लेकिन आज थोड़ा गर्मी लग रही है। और बस करा थोड़ी ये करा, इन्होंने अपनी बॉडी बना देनी है भाई की शादी के लिए ना, इसलिए सेट मारता हूँ मैं 15-20 के 3 बार, ये सोच रहे हैं से मारूंगा। ओ तेरी क्या बात है, क्या बात, क्या बात, आपकी बॉडी तो बड़ी खतरनाक है। चलो ट्राइसेप्स, ओहो हो, बहुत कट निकल गए एक ही बार मार के, एक ही बार मार सकते हैं तो। हाँ भाई हाँ सकते हैं, तो इससे ज्यादा ट्राइसेप्स तो मेरे ही होंगे, अगर 2-4 बार एक्सरसाइज करूंगी तो एकदम ट्राइसेप्स दिखेंगे। फिर हम लोग ना ऐसे ही हंसी मजाक करते रहते हैं, और मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भाई हम आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ना नहीं होता है, इसको प्यार बोलते हैं। और ये मतलब थोड़ा बहुत ऐसे बातचीत होती रहनी चाहिए, ऐसे क्या कि हर टाइम ही हाँ जी जनाब जी क्या कर रहे हो जी आप, हाँ जी हाँ जी, उसको हम लोग ये मतलब ठीक है मतलब हाँ जी हो जी अच्छी लगती है, पर वो ऐसे थोड़ा हर टाइम ही, हस्बैंड तो हर टाइम साथ, मतलब एक ऐसा रिलेशन है अगर आप फ्रेंडली रखोगे ना तो उतना ही अच्छे से मस्त चलेगा। और बाकी अगर ऐसे ये वाइफ को दबोच के रखा कि नहीं जी हाँ जी ओ जी ही करनी है, उसके अलावा मुंह नहीं खोलना, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो हम लोग आपस में इसी तरह से बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। और बस वही बात है कि अपने आप को खुशी मिलनी चाहिए, क्यों जनाब जी अभी अभी एक्सरसाइज कीजिए, बोलिए अभी बोलने की बारी मेरी है। मैं आपको वो दिखाती हूँ बंदर, आज ना ये जो पेड़ है ना जामुन का, इसके ऊपर अच्छा खासा वो कूर पड़ा हुआ है, मतलब ठीक जामुन लगने थे, लेकिन ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, आज पूरा तबाही कर दे रहे हैं इन्होंने। इस साइड को ना देखो धूप पड़ रही है ना, थोड़ा सही नहीं आ रहा कैमरा। पतिदेव आज मुझे ऐसे ही चिढ़ा रहे थे ना कि मेहमान आ रहे हैं, और यहाँ सच में ही घर पे मेहमान आ गए, ये होता है असली सरप्राइज़। आपको भी मिलवाती हूँ मेहमानों से, वैसे तो आप जानते ही हैं ये मेरे मामी जी हैं, बहुत बार मैं आपके साथ पहले भी मिलवा चुकी हूँ, और पूरी तैयारियां भी करवाएंगे, और बाकी मतलब रह गए ना 2-4 दिन, दो चार दिन रह गए, बाकी निंदा दिन आया भाई। अच्छा ये मेरे चाचू जी, और ये चाचू जी के बड़े मतलब जो, हाँ कृष्ण चाचू के जो बैंक में है ना, बैंक में नहीं सॉरी हाँ होटल होटल में, हाँ जी हाँ जी, तो आप भी थोड़ा सा बोल दीजिए ना, भूल जाते हैं थोड़ा सा। मैं कोई ना माइंड करा रहा था पर थोड़ा भूल गई मैंने कोई। हाँ जी जी, और मामी जी सब बढ़िया, आपके वहाँ पे मौसम वगैरह सब ठीक? बिल्कुल ठीक है, अभी तो बारिश वगैरह बारिश काफी हुई है, अभी तो ठीक है। आज वहीं से आते हो, आते आते ही आए आप की भी पहले आए हुए हैं इधर? अभी तो मेरे को 2 दिन हो गए। अच्छा तैयारियां करवा रहे हैं, अच्छा अच्छा शादी की, अच्छा अच्छा चाचू की भी तो बेटी की शादी हो रही है ना, अब भी याद आया मेरे को, सारी सारी बात याद आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मामी जी को तो मतलब दो दो शादियां एक साथ है ना मामी जी, और भतीजी की भी, और वो भी एक ही डेट पे है ना, आपके लिए तो बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ जाए वहाँ जाए, कहाँ क्या 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 करवाए है ना। अच्छा अच्छा उसी डेट पे है ना, थोड़ा पहले थोड़ा पार्टिसिपेट यहाँ करना, थोड़ा थोड़ा करने पड़ता है ना। हाँ जी नहीं वो तो सही बात है, करना तो पड़ता है, पहले भतीजी की शादी अटेंड करूंगी, भगवान जी की। हाँ जी हाँ जी, ऐसा है शादियों वाला सीजन चल पड़ा है ना अब। हाँ जी चलो सब बढ़िया, बाकी चाचू जी सब बढ़िया, छोटू चाचू कैसे हैं? वो भी सब तैयारियों में व्यस्त? हाँ अभी तो वाला शादी वाला घर है तो सब लोग तैयारियों में व्यस्त होंगे, ऐसा है। ये मौसम बिल्कुल खराब हो गया है, तो ये काले बादल आ गए हैं ये देख सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी और मुझे लगता है कि बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और मौसम ना आजकल एकदम ही चेंज हो जाता है, अच्छी खासी धूप लगी होती है ना उसके एकदम थोड़ी देर के बाद आधे एक घंटे के बाद में एकदम ही बारिश लगना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो काले बादल आ गए हैं, बारिश स्टार्ट। चलो बेटे अंदर चलो, बारिश ये उठाओ सामान यारो, चलो बैग वो अंदर रखो, चलो नहीं बेटे लगने वाली कभी भी लग सकती है ना, चलो। और ये क्या कर रही है? हाँ जी मैडम, वंदना क्या कर रहे हो? मोबाइल यार, मोबाइल को रेस्ट दे दिया करो, चार कम से कम थोड़ा सा तो रैम करो ना जनाब, काम ही चला है, हम काम के अलावा किसी चीज को हाथ ही नहीं लगाते, सोना उठना बैठना चागना, बेटे रहने दो, खराब हो जाएगा बच्चे।
आज ना थोड़ा सा हेडेक वाला डे था मेरे लिए, थोड़ा नहीं वैसे तो बहुत ज़्यादा था। पूरा दिन भर यूट्यूब के कामों में आज ऐसे उलझी रही ना कि क्या ही बताऊँ आपको। सर में दर्द हो रहा था, अभी तो इतना सर दर्द हो रहा है जब मैं आपके साथ ये एडिट करके ब्लॉग भी तैयार कर रही हूँ, सर फटने को आया है। लेकिन वही बात है कि अपना काम तो काम होता है ना। तो बस फिर आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।